हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड डॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्वो वायरस के बारे में, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारे 3 डॉग्स को पार्वो वायरस हो चुका है, और जिसमें से एक फीमेल जो है वो एक दिन में ही खत्म हो गई थी। और शायद अगर मैं उसी दिन उसको ले जा पाता तो वो फीमेल शायद रिकवर हो जाती, लेकिन उसे नहीं ले जा पाई क्योंकि रात का टाइम काफी ज्यादा हो चुका था और मेरे घर के पास भी हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं है। तो उसके बाद जो हमारे 2 डॉग्स पार्वो वायरस में आए थे, मुझे ऐसा लगता है उससे एक दिन पहले जो है वो वायरस जो था वो शायना के अंदर एंटर हुआ था, और उससे ही वो वायरस मिल्की और साहिबा के अंदर आया था। तो उसके बाद भी मिल्की और साहिबा को हमने रिकवर कैसे किया, और पार्वो वायरस से बचने के क्या क्या मतलब आपको उपाय मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके डॉग भी पार्वो वायरस से बच जाएंगे, और पार्वो वायरस होता कैसे है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आप लोग वीडियो में फुल एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर एक से एक अच्छी अच्छी वीडियोज आती हैं, डॉग्स की इन्फॉर्मेशन की भी आती हैं और डॉग्स के साथ ब्लॉग्स भी आते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं या डॉग्स की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो अपनी क्वेरीज को लेकर। और बाकी आज की वीडियो में फुल डिटेल में मैं आपको कुछ कुछ बताने वाला हूँ बातें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपके डॉग को पार्वो वायरस हुआ है या फिर पार्वो वायरस के क्या क्या लक्षण होते हैं जो आपको पता रहने चाहिए, क्योंकि आपका जो डॉग होता है वो आपके साथ यार 10-12 साल का होता है, रहने के लिए होता है। और मैं तो ये कहता हूँ सबके डॉग 14 साल 15 साल भी जिए, तो 12 साल के बाद भी हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते हमारे डॉग्स के साथ। हम तो ये चाहेंगे कि हमारा डॉग्स हमेशा यार हमारे साथ ही रहे, लेकिन फिर भी पार्वो वायरस के बारे में आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पारो वायरस एक्चुअल में होता क्या है? तो दोस्तों, ये एक डिजीज वायरस है जो एक डॉग से दूसरे डॉग में फैलता है, और इस वायरस से बचने का केवल एक ही उपाय है, जल्द से जल्द आप अपने वेट की सलाह लें। और मैं सबसे पहले ये बात आपको पारो वायरस में थोड़े से ही टॉपिक को खत्म करना चाहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पारो वायरस के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके डॉग को ऐसे सिम्टम आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये पारो वायरस ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका डॉग या तो वॉमिटिंग करेगा या फिर लूज मोशन करेगा, और धीरे धीरे उसके लूज मोशन और वॉमिटिंग में ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप जैसे कि आज आपके डॉग को पारो वायरस का कुछ भी या फिर वॉमिटिंग वगैरह या लूज मोशन वगैरह हुए, आपने उसको मेडिसिन दी और उसके बाद भी वो चीज़ कंट्रोल नहीं होती है, तो आप किसी से भी ना पूछें, ना ही किसी यूट्यूबर के पास कॉल करें कि भाई हमारे डॉग को ये परेशानी हो रही है, या किसी भी ब्रीडर से ऐसे किसी से ना पूछें। आप डायरेक्ट अपने वेट के पास जाइए, या आपके नियर बाई कोई भी वेट हो या कोई भी डॉक्टर हो, आप उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी ही भूल के चक्कर में आपका डॉग जो है आपके हाथ से चला जाता है। क्योंकि मैं भी एक अपनी फीमेल को खो चुका हूँ केवल इसी चक्कर में कि चलो देख लेता हूँ, मुझे पता नहीं था उस टाइम कि पारो वायरस भी ऐसा होता है। तो मेरे 3 डॉग्स को हुआ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता किसी का डॉग भी अब बिल्कुल भी चूक के वजह से मरे। सो जब भी हमारा डॉग यार ऐसे कंडीशन में आए कि उसको वॉमिटिंग और लूज मोशन होते हैं और वो मेडिसिन देने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो आप किसी वेट की सलाह लीजिए, ना ही किसी ब्रीडर से पूछिए, ना ही किसी से पूछिए कि ऐसे से प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने वेट की सलाह लेकर और अपने डॉग का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए जल्द से जल्द, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, डॉग जब वॉमिटिंग करता है लूज मोशन करता है तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से ही डॉग एक्सपायर होता है, वरना डॉग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर डॉग के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। और हम उस केस में ना तो उसको वाटर दे सकते हैं, ना ही उसको कुछ खाने को दे सकते हैं। अगर आपके डॉग को नॉर्मली लूज मोशन या वॉमिटिंग वगैरह हो गई है तो भी आप उस दिन डॉग को खाना कम ही दें या दे ही ना तो ठीक रहता है। और अगर जब भी आपको वेट वगैरह जिसकी भी सलाह अगर ना मिल पाए, जैसे कि कोई भी आपके नियर बाय नहीं है वेट वगैरह, तो आप किसी अच्छे जो भी ब्रीडर हो आपके पास में या जो भी जिसके पास थोड़ी नॉलेज हो अच्छी खासी डॉग के रिलेटेड, आप उससे तुरंत कॉन्टेक्ट करें और उससे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ले। और अपने घर पर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ देना भी है डॉग को, वो आता है इलेक्ट्रोकाइंड आता है, या फिर जो मूंग की दाल का पानी बोलते हैं हम लोग, वो भी आप दे सकते हो।
डॉग को, अगर डॉग के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर फर्स्ट डे भी है आपके डॉग को अगर वॉमिटिंग होगी नॉर्मली, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ज्यादातर विंटर के सीजन में ही आती है, तो अगर आपके डॉग को विंटर के सीजन में या कभी भी वॉमिटिंग या लूज मोशन कुछ भी हो जाते हैं, तो आप उस टाइम उसको खाना ना देकर कुछ नॉर्मल सी हल्का खाना दीजिए, जैसे कि ब्रेड हो गए या फिर दाल का पानी हो गया या इलेक्ट्रोकाइंड हो गया। मैं तो जब ये उसके लिए नहीं, केवल पारो वायरस में आप ऐसा कीजिए, अगर आपके डॉग को नॉर्मली भी अगर वॉमिटिंग हो गए या लूज मोशन भी हो रहे हैं, उस टाइम आप अपने डॉग को कुछ भी खाने को मत दे, उसको मेडिसिन वगैरह दे, उसके बाद आप थोड़ा सा कुछ खाने को दीजिए और आप देखिए अगर उससे आप बाद में वॉमिटिंग वगैरह नहीं करता है डॉग एक दो बार मेडिसिन देने के बाद, तो आप उसको कुछ खाने को दीजिए। अगर दोबारा कुछ भी करता है तो तुरंत आप अपने वेट की सलाह लीजिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा, चाहे आपके 50 किलोमीटर वेट हो चाहे 100 किलोमीटर हो, लेकिन आप अपने वेट के पास ही लेके जाइए डॉग को, क्योंकि एक घंटा लेट होने में कोई फायदा नहीं है और एक दिन लेट होने में फायदा नहीं होता, क्योंकि हम भी अपना एक डॉग खो चुके हैं यार, आपको पता ही होगा। और अभी आपने मिल्की और साहिबा को देखा, ये इन दोनों ने भी रिकवरी कर ली है, लेकिन काफी ज्यादा यार हार्ड वर्क करना पड़ा इनके लिए। डेली मैं अपने यहाँ से 20 किलोमीटर है वेट, जहाँ पर हमारे वेट वगैरह बैठते हैं, और वेट भी नहीं है, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है अंकल, वो वैसे सारे पशुओं एनिमल्स का इलाज करते हैं, उनको डॉग्स की भी अच्छी नॉलेज हो गई, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कोई भी वेट नहीं है तो सारे लोग उनके पास ही जाते हैं। सो उन्हीं के पास हम लेके जाते थे। डेली पर डे आपको लेके जाना है, जब भी आपका वेट जैसे कहता है वैसे करिए। और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि इंजेक्शन लगा दिए डॉक्टर ने और उसके तो कुछ हो ही नहीं रहा, फायदा ही नहीं हो रहा। पारो वायरस कभी भी एक दिन में ठीक नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट चलते चलते भी उसकी जो अंदर की गंदगी होती है वो वॉमिटिंग के थ्रू या पॉटी के थ्रू अपने निकालता रहता है। तो ये मत सोचना आप लोग कि हमारा पेट जो है यार कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, तो डॉग का कुछ सही नहीं हो रहा। कम से कम 3 दिन 7 दिन या किसी किसी डॉग के केस में ऐसा होता है कि 14 दिन 15 दिन या 20 दिन तक ट्रीटमेंट चला जाता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि यार इस वेट पे ठीक नहीं हो रहा, हम दूसरे जगह जाते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपका डॉग तरह तरह की दवाइयों से परेशान होकर वो डेड हो जाता है। तो आप लोगों को ये सब बातें ध्यान में रखनी है। जिस वेट के पास आप ले गए हो आप एकदम उसी से इलाज लीजिए 3 दिन 7 दिन। अगर आपका डॉग जब तक लाइव करेगा, जब तक उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तब तक बीमारी से वो लड़ता रहेगा। तो हमें जितना हो सके, जितना हमें डॉग को है डिहाइड्रेशन नहीं होने देना, उसको जो भी ड्रिप कहते हैं या कुछ भी कहते हैं आपको, वो सब ट्रीटमेंट करवाने हैं। और बस यही मेरी एक एडवाइस है आप लोगों से अपने डॉग के लिए। और दोस्तों इसमें जो है फ्लूड चढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लूड का मतलब होता है जो ड्रिप चढ़ती है, बोतल बोलते हैं जिसको, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो बोतल कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो चढ़ती है डॉग्स को। और वो इम्पोर्टेंट भी होता है, वो डॉक्टर खुद से ही स्टार्ट कर देते हैं डॉग की कंडीशन को देखकर, और उसी से डॉग रिकवर हो पाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है उसी से रुक पाता है जो उसके फ्लूड चढ़ती है। सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैं तो आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा पार्वो के बारे में कि आप अपने घर पे ही ठीक कर लीजिए, घर पे ठीक हो ही नहीं सकता पार्वो मेरे हिसाब से। अगर कोई हाँ ज्यादा नॉलेज वाला पर्सन है और उसे एक्सपीरियंस भी है, वो सब कुछ काम अपने घर पर ही कर सकता है, तो घर पर ठीक हो सकता है पारो वायरस। लेकिन मेरे हिसाब से और कोई तरीका नहीं है पारो वायरस को ठीक करने का, क्योंकि डॉग जो है कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वॉमिटिंग से ब्लड आता है और उसके पॉटी से ब्लड आता है, तो वही एक कॉज होता है इसका कि डॉग हमारा जो है पारो वायरस में ही है। और ब्लड आने का मतलब ये भी नहीं है कि पारो वायरस ही होगा, लेकिन अगर आपके डॉग ने कुछ भी उल्टा सीजन नहीं खाया है तो उसको चांस पारो वायरस के ही होंगे, कि हाँ उसको पारो वायरस ही हो सकता है। और यही बस मेरी एक एडवाइस है आप सभी के लिए कि किसी से ज्यादा ना फालतू के पूछते हुए आप अपने वेट की सलाह लीजिए। और वेट पर आपको भरोसा रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उन पर भरोसा नहीं होगा तो डॉग का सही होना मुश्किल है, क्योंकि जब आप एक डॉग एक वेट से दूसरे वेट पर लेके जाते हो तो वहां पर दवाइयां भी चेंज हो जाती हैं और डॉग के ट्रीटमेंट में भी गैप आ जाता है। तो आप लोगों को अपने वेट पर ही भरोसा रखना है, जैसे हमने रखा था। और काफी टाइम तो ज्यादा नहीं, लेकिन 7-8 दिन लग गए थे मिल्की और साहिबा के ठीक होने में। सो लगते हैं 7 दिन लग सकते हैं, 3 दिन में भी ठीक हो सकता है नॉर्मल डॉग, और 7 दिन में भी हो सकता है या 10 दिन में भी हो सकता है। वो डॉग की कंडीशन के ऊपर है, उसकी इम्यूनिटी पावर के ऊपर है कि उसकी इम्यूनिटी पावर कितनी है और कितनी जल्दी वो अपने आप को बिल्डअप कर पा रहा है। सो यही है हमारी थोड़ा पारो वायरस को लेकर इन्फॉर्मेशन। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना, और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जिन लोगों के पास डॉग्स हैं उनके पास थोड़ी थोड़ी बातें भी पहुंचनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या कहीं पर भी आपके फ्रेंड हो या आपके कोई भी रिलेशन में हो तो आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि सभी के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियोज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अभी विंटर का सीजन है और डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो मैं बताता हूँ, क्योंकि जो मुझे सुनने को मिला, जो मैंने देखा है अपने डॉग्स को ठीक करने में, वो सभी चीज़ें आप लोगों को भी पता चल पड़नी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।